नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए ग्वालियर के कृषि विज्ञान केंद्र में और जानेंगे कड़कनाथ के पालन के बारे में। कड़कनाथ का पालन कैसे किया जाता है, ये नस्ल कहाँ की है और बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, वैक्सीन कौन कौन से लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ के एक्सपर्ट से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। हाँ सर, अपना नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत है, पशुपालन वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुर्गियाँ, मुर्गी पालन के अंतर्गत कुछ प्रमुख बीमारियाँ जो मुर्गियों में अक्सर आती हैं, किन किन कारणों से आती हैं और उनको बचाव के लिए क्या क्या उपाय अपन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मुर्गियों के अंदर जो बीमारी होती है वो होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण। अक्सर हम किसान भाइयों के यहाँ क्या करते हैं कि जो मुर्गियों में उनको संतुलित दाना नहीं मिल पाता, तो संतुलित दाने की कमी की वजह से कभी या तो प्रोटीन की कमी आ जाती है या कोई सी विटामिन की कमी आ गई या मिनरल्स की कमी आ गई, उसकी कमी के कारण मुर्गियों में बीमारी आ जाती है। अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे विटामिन B1 की कारण थायमिन की कमी की वजह से, विटामिन B2 की कमी की वजह से राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से कल्टोई पैरालिसिस हो जाता है, विटामिन D3 और कैल्शियम फास्फोरस इनकी वजह से जो है इनके अंदर बोन्स में कमजोरी आ जाती है। सभी विटामिन और मिनरल्स जो पोषक तत्व उनकी कमी के कारण में वीकनेस, कमजोरी, खाना कम खाना या कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाना, जैसे कुछ बच्चे छोटे रह गए कुछ बड़े हो गए, तो छोटे बड़े अगर अनइवन साइज़ के इनके बच्चे हो गए तो जो बड़ा मुर्गा है वो ज़्यादा दाना खाता रहेगा, छोटे को हमेशा कम मिलेगा तो वो उस साइज़ कम का हमेशा कम ही रह जाएगा, तो इस कारण से वो अनइवन ग्रोथ हो जाएगी पोषक तत्वों की कमी के कारण। और जो कमज़ोर है, जो खा कम खा रहा है, वो धीरे धीरे फिर बीमार होता जाएगा तो वो एक कोना पकड़ लेगा, कोने में इकट्ठा हो जाएगा, फिर बीमारी की मुर्गी के जो लक्षण होते हैं वो सब हमें दिखाई देने लगेंगे, जैसे रफल्ड फिदर है या कफिंग है, स्नीजिंग है, छींकने लगेगा, नाकने लगेगा, खांसने लगेगा, पंख लग जाएंगे, खुजली चमड़ी भी इसकी वैसी हो जाएगी, कभी कॉम्प में पंख वगैरह में फिदर्स में जिनमें जो है दाने पड़ जाएंगे, ऐसी कई तरह की समस्याएं जो बीमार मुर्गी के अंदर हैं वो दिखने लगेंगे, कमजोरी, एनीमिया आ जाएगी, कमजोरी दिखने लगेगी, ऐसे लक्षण जो पोषक तत्वों की कमी के कारण सब साधारण लक्षण जो दिखाई देते हैं वो सब दिखाई देने लगते हैं। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे थे ये जो इनकी कौन कौन सी बीमारियाँ होती है और कैसे रोकथाम की जाए, जैसे रानी खेत की बीमारी है और भी कई बीमारियाँ होती होंगी, तो कैसे रोकथाम की जाए और बीमारी कौन कौन सी है? दूसरी बीमारियों को हम कारण सहित वर्गीकरण करते हैं, जिसमें दूसरी बीमारी है इन्फेक्शियस बीमारी, जो छुआछूत की बीमारी जिनको हम कहते हैं, जो होती हैं विषाणुओं के कारण, जीवाणुओं के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, अलग अलग कारण के सहित इनको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि वायरस विषाणु के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियाँ, उसमें सबसे पहली बीमारी है रानीखेत की बीमारी। मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिसमें 80% से लगभग 100% तक मोर्टिलिटी हो जाती है, इतनी खतरनाक बीमारी है। इसके अंतर्गत जो लक्षण दिखाई देते हैं हमें, सबसे पहले तो इसके श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक से कुछ डिस्चार्ज आने लगता है और घर घर की आवाज़ भी आने लगती है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि रानीखेत की ज़्यादा टिपिकल बीमारी तो रेड बीट भी आने लगती है और गोल गोल घूमने भी लगती है वो रानीखेत की बीमारी में। और इस बीमारी का हम जब कंफर्मेशन हम लगभग पोस्टमार्टम के माध्यम से करते हैं, जैसे मुर्गियों का हम पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम करके यदि उसकी क्रॉप रीजन है, गिजार्ड रीजन में यदि हमको हिमरेज मिलते हैं तो उससे फिर रानीखेत कन्फर्म होती है। फिर रानीखेत बीमारी का जैसे इलाज रानीखेत बीमारी का हम दवाइयों से करते हैं तो वो तब तक मोर्टिलिटी काफ़ी हो जाती है। इसका इलाज से अच्छा है इसका बचाव करना। बचाव के लिए हमें एक तो अपने फार्म हाउस पर जनरली साफ सफाई रखें और जितनी हमारी एंटीसेप्टिक कुछ मेडिसिन रहती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, उनसे हम अपने फार्म हाउस पर स्प्रे करते रहें, जैसे वायरोक्लीन है, B904 है, ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो स्प्रे हर 8 दिन में 15 दिन में या CBIT के हिसाब से उन दवाइयों का स्प्रे करते रहें, साफ सफाई फार्म हाउस में रखें, तो वायरस की बीमारी नहीं आती है। अच्छा, रानीखेत का जो वैक्सीन होता है वो कौन सा वैक्सीन है? रानीखेत का वैक्सीन, जैसे पहला वैक्सीन रानीखेत का हम 3 से 7 दिन पर लगाते हैं, वो लासोटा वैक्सीन रहता है। लासोटा वैक्सीन आँख और नाक में एक एक ड्रॉप करके
एक ड्रॉप करके डालते हैं, ड्रॉपर के माध्यम से आती है, वो दवाई ड्रॉप से लगाई जाती है, पहला वैक्सीन। दूसरा रानीखेत का वैक्सीन जो रहता है 30 से 35 दिन में लगाया जाता है, R2 भी वैक्सीन रहता है, वो पीने के पानी के माध्यम से दिया जाता है, या इसको हम कह सकते हैं इसका बूस्टर है एक तरीके का। तीसरा वैक्सीन रानीखेत का किल्ड वैक्सीन जो लगाते हैं हम, 4 से 6 सप्ताह की मुर्गी हो जाती है, यदि हम मुर्गी को ब्रीडर के तौर पर रखना चाहते हैं या आगे अंडे देने के लिए हम किसी मुर्गी को रख रहे हैं, तो फाइनल तीसरा रानीखेत के बचाव के लिए 4 से 6 महीने पर इसका रानीखेत का ही किल्ड वैक्सीन लगाया जाता है। इसलिए एक ऐसा आता है, एक जो बीमारी रानीखेत है उसको बचाने के लिए पूरी कंप्लीट 3 वैक्सीन का डोज रहता है, तब पूरी तरह से रानीखेत वैक्सीन बचती है। अच्छा, इसके बाद और कौन सी वैक्सीन दी जाती है ना? वैक्सीन के तहत अगर वैक्सीन की बात करें तो इनको, उस बच्चों को, इनके जो चूजे होते हैं उनको सबसे पहला वैक्सीन दिया जाता है 1 दिन के चूजे में मारेक्स डिसीज़ का। मारेक्स जो एक बीमारी है, वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, इसका वैक्सीन जो है 1 दिन के चूजे में लगता है, जैसे हैचरी मशीन से चूजा निकलता है और उसमें सबकट इंजेक्शन के माध्यम से लगता है ये वैक्सीन। तो अक्सर ब्रॉयलर वाली हैचरी की कंपनियां हैं वो सब लगा हुआ देते हैं रानीखेत का वैक्सीन, इसका मारेक्स डिसीज़ का वैक्सीन ला के देते हैं। अपने आप ही कुछ हैचरियों में इसका 1 दिन का जो चूजा रहता है उसमें ये वैक्सीन लगाते हैं। दूसरा वैक्सीन अपन रानीखेत का लगाते हैं जैसा कि अपन ने 7 दिन में बताया। तीसरा वैक्सीन इसमें गंबोरो बीमारी का लगता है। गंबोरो ये कब लगता है सर? 14 दिन की एज में, 14 डेज का चूजा जैसे ही हो जाता है 14 डेज का, उसमें 14 डेज की एज में इनमें गंबोरो बीमारी का टीका लगाते हैं, वो भी आँख और नाक में ड्रॉप के माध्यम से। इसके बाद अगला टीका कब लगता है? जैसे 14 डेज पे अपन ने गंबोरो का फर्स्ट डोज लगा दिया, 28 डेज पे गंबोरो का बूस्टर लग जाता है, 35 से 40 दिन पे रानीखेत का दूसरा वैक्सीन लग जाता है, उसके बाद सारे वैक्सीन फिर 4 से 6 सप्ताह की एज पे, जैसे फाउल कॉलेरा का भी लगता है, फाउल टाइफाइड का भी लगता है, फुराइजा का भी, और भी कुछ वैक्सीन है, लेकिन जनरली सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन 3 है जो अक्सर अपने यहाँ लगाए जाते हैं, मारेक्स डिसीज़ का, रानीखेत बीमारी के दोनों टीके और गंबोरो को, ये 3 टीके सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं, अपने प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये वैक्सीन लगने के बाद क्या संभावना है कि ये रोग दोबारा से रिपीट हो जाए? नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन यदि उस बीमारी का प्रॉपर लगा हुआ है तो कोई संभावना नहीं है कि वो सेड में आपकी वो बीमारी आएगी। उसके अलावा दूसरा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन लगने के बाद वो बीमारी नहीं आएगी यदि पर्टिकुलर सही तरीके से वैक्सीन आपका हुआ है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन कई बार जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो कहीं लापरवाही हो जाए तो शायद इस कारण जो बीमारी है वो रिपीट कर जाती है। बिल्कुल, यदि वैक्सीन के रख रखाव में लापरवाही हो गई, मतलब वैक्सीन के लिए एक पूरी कोल्ड चेन मेंटेन करके रख चलना पड़ता है, उसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है, यदि आप उसको 1 घंटे धूप में रख दोगे तो वैक्सीन तो क्या होता है, वो वैक्सीन एक लाइव कल्चर है, उसी के जिस बीमारी के कारण होता है उसी बीमारी के वायरस को किल करके अटेन्यूएटेड करके बनाया जाता है, यदि वो धूप में रख दिया और उसका वो वायरस हमने अधमरा सा करके उस वैक्सीन के लिए यूज कर रहे थे वो पूरी तरह से मर गया तो मतलब वो वैक्सीन तो फिर खराब हो गया, और खराब वैक्सीन का यूज करके हम वैक्सीनेशन करेंगे तो फिर वो क्यों काम करेगा। तो कितना टेम्परेचर रहना चाहिए सर वैक्सीन का? वैक्सीन को तो जनरली हम फ्रीजर टेम्परेचर पर रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो फ्रिज का रहता है अंदर उसमें रखते हैं, जीरो पे नहीं रखते, फ्रीजर में नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना कि फ्रीजर में रखते हैं। तो सर ये वैक्सीन लगने के बाद बीमारियों से बचाव हो गया और इनके रखरखाव के लिए हम इन्हें दाने में क्या देते हैं? इनके रखरखाव के लिए कड़कनाथ मुर्गियों का दाना जनरली अलग से तो इनका नहीं बना हुआ आता, लेकिन फिर भी हम इनको शुरू में जो फर्स्ट डे से डे ओल्ड से इनको स्टार्टर दाना देते हैं जो कि लगभग इनका 1.5 महीने तक चलता है, स्टार्टर दाना जो ब्रॉयलर में अक्सर मार्केट में चलता है, स्टार्टर, फिनिशर, ग्रोअर और लेयर इस तरीके से चलते हैं, वही हम इनको देते हैं। तो लेकिन इनको उनको थोड़ा सा डेज का अंतर रखते हैं, डेज का और वजन का, इनको 1.5 महीने तक स्टार्टर देते हैं, उसके बाद हम 3 महीने तक फिनिशर देते हैं, फिर इनको ग्रोअर देते हैं, और जैसे ही अंडे देना शुरू करते हैं लगभग 5-5.5 महीने के बाद ये अंडे देना शुरू करते हैं, तो उनको फर्स्ट स्टेज का लेयर राशन देते हैं जो कि रेडीमेड कंपनी से बने हुए दाने आते हैं, अलग अलग कंपनियाँ बनाते हैं उनके बने हुए देते हैं। तो सर ये जो कड़कनाथ की आपकी ये मुर्गियाँ पली हुई हैं, ये मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं लगभग 1 वर्ष में? इन मुर्गियों का जनरली जो रिकॉर्ड रिसर्च में है 1 वर्ष में लगभग 80 से 120 अंडे प्रतिवर्ष देती हैं। अच्छा, 80 से 120 अंडे देती हैं ना, तो ये कितनी मुर्गियों पे, कितने मुर्गे चाहिए सर? मुर्गियों पे मुर्गों का एक रेशो रहता है लगभग 5+1 का, अच्छे, क्योंकि हमको अच्छे फर्टाइल अंडे लेने होते हैं, फर्टाइल अंडे से अच्छे बच्चे निकलते हैं, तो उसके लिए हम 5+1 5 मुर्गियों पे एक मुर्गा रखते हैं ताकि बच्चे अच्छे निकलें। जनरली अच्छे बच्चे फर्टाइल एग लेने के लिए मुर्गा रखना जरूरी रहता है, अंडे देने के लिए मुर्गा रखना जरूरी नहीं है, आप सभी मुर्गे निकाल लो, पूरी मुर्गी मुर्गी रखो तो तब भी अंडे देंगी वो, लेकिन वो अंडे फिर फर्टाइल नहीं रहेंगे, मतलब उन अंडों से बच्चा नहीं निकलेगा, अंडों से यदि बच्चा चाहिए अपन को तो मुर्गियों के साथ मुर्गा रखना पड़ेगा।
तो सर ये जो इकाई है इससे आप अंडों का प्रोडक्शन लेते हैं? जी हाँ, ये हमारी ब्रीडर स्टॉक है, पेरेंटा स्टॉक है। यहाँ पे हम फर्टाइल अंडे लेते हैं जनरली, ऐसे अंडे जिनको हम हैचरी मशीन में हमें रखना है, और हैचरी मशीन में रख के हम इनसे बच्चे निकालेंगे। यही यूनिट हम इसलिए स्टेबलाइज की हुई है कि ताकि किसानों को पहले यहाँ के किसानों में जब ग्वालियर में हैचरी मशीन नहीं थी तो झाबुआ से ही बच्चे लेके आने पड़ते थे। कड़कनाथ मुर्गी के किसी को बच्चे चाहिए तो कहाँ से, जहाँ हैचरी मशीन है वहाँ से लाते थे। तो आपकी जो ये नस्ल है ये कहाँ की नस्ल है? ये कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ, जैसे झाबुआ जिले की ओरिजिन है इसकी। यहाँ अभी हमने लाए हुए हैं यहाँ पे, तो कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से पहले हम इसके 100 बच्चे लेके आए थे। अच्छा, ये लेकिन ये कड़कनाथ मुर्गी अपने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की ही ओरिजिन है, और मध्य प्रदेश से ही नाम से इसको जियो टैग मिला हुआ है। नहीं, तो मेरा पूछने का मतलब इतना था कि ये जो नस्ल है ये नस्ल कहाँ की है आपके पास में? झाबुआ की। झाबुआ से है ना? झाबुआ से आप क्या अंडे लेके आए थे या बच्चे लेके आए थे? लेके आए छोटे बच्चे, कड़कनाथ मुर्गी के चूजे, छोटे छोटे चूजे लेके आए थे, उनको बड़ा किया था पेरेंटा स्टॉक के तौर पे, उनको फिर बड़े करके उनसे अंडे लिए। फिर हमने एक अपनी मशीन सेटल की, उस मशीन में इनके बच्चों को उन मशीन में रख के उसके अंडे बढ़ा के, मतलब इसकी प्रजाति को, इसकी संख्या को, इसको प्रिजर्व भी किया और उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ाई ग्वालियर जिले में। सर ये जो दूसरी आपकी इकाई बनी हुई है, पहली इकाई ये है, दूसरी इकाई जो आपकी बनी हुई है, ये दूसरी इकाई में जो मुर्गा मुर्गी है ये किस लिए रखे गए? ये जैसे हमारे पास इसके 4 कमरे हैं। सबसे पहले एक कमरे में हम जैसे वहाँ से अपने लिए स्टॉक में बच्चे लाते हैं, तो हमारा जो ब्रूडर हाउस है वो हैचरी मशीन के बगल में है। ब्रूडर हाउस के बाद फिर हमारा ग्रोअर हाउस है, पहले ग्रोअर हाउस में बच्चों को शिफ्ट करते हैं, ग्रोअर स्टेज तक उसमें पालते हैं, उसके बाद अपने हम लेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा लेयर हाउस है, ये अंडे का, मतलब इसमें अंडे लेते हैं, ब्रीडर हाउस है। तो फर्स्ट में ग्रोअर हाउस है, उसके बाद तीसरा हमारा जो कमरा है उसमें हम अलग से कल्ड बर्ड्स को रखते हैं, यानी कि 2 से 2.5 साल तक हम इन मुर्गियों से अंडे लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड या थर्ड ईयर में इनके अंडे कम हो जाते हैं, तो फिर हम उनको कल्ड करके मार्केट में एज ए मीट पर्पज सेल आउट कर देते हैं। तो उसके लिए एक कमरे में हम सेल आउट के लिए कल्ड बर्ड्स रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये जो दूसरे कमरे में किस तरह के मुर्गा मुर्गी हैं, तो कड़कनाथ के ही, उन्हें अभी चल के देख लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर छोटी छोटी इकाइयां बनी हुई हैं कड़कनाथ की, आप देख सकते हैं। ये देखिए कड़कनाथ की इकाइयां बनी हुई हैं, और इसके पास में एक इकाई और बनी हुई है, चलिए दोस्तों वो भी दिखा देते हैं आपको। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के हम ये दिखा देते हैं आपको दूसरी इकाई भी। आइए, ये दूसरी इकाई बनी हुई है, और इसी के पास में तीसरी इकाई भी बनी हुई है कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका उस्टैंड दोस्त हरीश पवार, जय हिंद।